जय हिंद साथियों, मैं कमांडो जीवराज कमांडो डिफेंस एकेडमी की तरफ से आपके लिए टेरिटोरियल आर्मी भर्ती से संबंधित पूरी जानकारी इस वीडियो में लेकर आया हूं। इस वीडियो में आप देखेंगे कि टीए क्या है, टीए भर्ती कैसी होती है, टीए भर्ती प्रक्रिया कितने जोन में बटी हुई है, सैलरी क्या है, फैसिलिटीज़ क्या है, छुट्टी कितनी है और इनकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ होती है, क्या क्या ये ड्यूटियाँ करते हैं, टीए भर्ती से संबंधित पूरी जानकारी आप इस वीडियो में आज देखने वाले हैं। तो साथियों, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि समय समय पर वीडियो आप तक पहुंचते रहें। दोस्तों, इस वीडियो में आप टेरिटोरियल आर्मी की पूरी जानकारी लेने वाले हो, क्या फैसिलिटियां मिलती है और भर्ती होने का क्या प्रोसेस है। सबसे पहले आपको ये बताता हूं कि टीए बटालियन क्या क्या कार्य करती है, टेरिटोरियल आर्मी है वो क्या क्या कार्य करती है। सिक्योरिटी का काम करती है, रोड ओपनिंग पार्टी का कार्य करती है, रियर लोकेशन है ऑक्यूपाई करती है, जो कोई बटालियन अगर लड़ाई के दौरान एडवांस करती है तो पीछे का लोकेशन टीए बटालियन है वो प्रोटेक्ट करती है। मेडिकल हेल्प करती है, जैसे किसी भी देश में आपातकाल की स्थिति में भूकंप है, बाढ़ है, इस तरह से अगर कोई विपदा आती है तो उसमें टीए बटालियन मेडिकल हेल्प भी उपलब्ध करवाती है। फील्ड एरिया सीआई ऑप्स, अगर काउंटर इंसर्जेंसी क्षेत्र में ऑपरेशन की जिम्मेवारी भी टीए को मिल सकती है। बैकअप प्लान, टीए बटालियन अगर कोई बटालियन मूवमेंट कर रही है या एलसी बॉर्डर पर स्थित है तो उसको बैकअप के तौर पर भी टीए बटालियन हेल्प कर सकती है। फ्लैग मार्च, आपातकाल की स्थिति में शहरों में फ्लैग मार्च भी करवाया जा सकता है। मल्टी रोल इन वॉर, लड़ाई के दौरान टीए के बहुत सारे रोल हैं, जैसे जो बटालियन एडवांस कर रही है उनको राशन, अम्यूनिशन, मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध करवाना, घायलों को वैक्यूएट करना, घायलों को उपचार करना, इस तरह से टीए का कार्य वार के दौरान बढ़ जाता है। अगला है दोस्तों, क्या क्या सुविधाएं मिलती है एक टीए सोल्जर को, क्या क्या सुविधाएं मिलती है। सैलरी 21,000 से 61,300 रुपये के बीच में बेसिक पे होती है, अलाउंसेस और भत्ते अलग से मिलते हैं। एक जवान को 60 दिन की एनुअल लीव मिलती है और 30 दिन की कैजुअल लीव मिलती है। पेंशन, बेसिक पे का 50% एक जवान को पेंशन मिलती है। क्वार्टर फैसिलिटी, पीस स्टेशन में जो जवान पोस्टेड हैं उन्हें फैमिली क्वार्टर की सुविधा दी जाती है। एक जवान 32 साल तक सेवा कर सकता है, बशर्ते कि उनका वक्त वक्त पर प्रमोशन अच्छी तरीके से होता रहे। मेडिकल फैसिलिटी, एक टीए के सोल्जर को ही नहीं आर्मी के सोल्जर को 3 पीढ़ियों तक स्वास्थ्य सुविधाओं का फ़ायदा मिलता है, अपने बच्चों का, खुद का और माँ बाप का। अगला है दोस्तों, रैली प्रोसेस, रैली भर्ती प्रोसेस क्या है वो जानकारी आपको अभी मिलने वाली है। सबसे पहले आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा, रिटन एग्ज़ाम होगा, फाइनल मेरिट बनेगी, उसके बाद में आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। अभी क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको आवश्यक हैं, एडमिट कार्ड चाहिए आपको, 20 कलर फोटोग्राफ्स चाहिए, मार्कशीट चाहिए 10वीं 12वीं की, आपका मूल निवास प्रमाण पत्र चाहिए आपको, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए आपको, रिलीजियन सर्टिफिकेट चाहिए, स्कूल का आपको चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए जो प्रिंसिपल से साइन किया हो, नो क्लेम सर्टिफिकेट चाहिए आपको, आपको भर्ती के दौरान अगर कहीं चोट लग जाती है, कोई फिजिकली हानि होती है तो आप खुद जिम्मेवार होंगे, एनसीसी सर्टिफिकेट चाहिए,
स्पोर्ट्स का आप पास में कोई सर्टिफिकेट रहता हो चाहिए, एक 10 रुपये का एफिडेविट चाहिए जो नोटरी किया होना चाहिए, सिंगल बैंक अकाउंट, पैन कार्ड और आधार कार्ड चाहिए जो आपस में एक दूसरे से लिंक हुआ होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट आपको रेलवे साइट पे लेके जाने हैं। एक करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए आपको जो सरपंच से या आपके नगर पालिका से हस्ताक्षर किया हुआ होना चाहिए और 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। फिजिकल में दोस्तों सबसे पहले फिजिकल फिटनेस टेस्ट PFT लिया जाता है। इसमें 1600 मीटर की दौड़ होती है जो 5.5 मिनट में आपको पार करनी होती है, जिसके 60 नंबर मिलते हैं। दूसरा है 5.5 से 6.25 मिनट में जो बच्चा इस दौड़ को पार करता है उसको 48 नंबर दिए जाते हैं, लेकिन ये टाइम दिया नहीं जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, जो बच्चा 5 मिनट से पहले रनिंग क्लियर करता है उसी को लगभग चांस मिलता है। अगला है दोस्तों बीम। 10 बीम लगाने के 40 नंबर मिलते हैं, 9 बीम के 33 नंबर, 8 बीम के 27, 7 बीम के 21 नंबर और 6 बीम के 16 नंबर मिलते हैं। अगला दोस्तों PST फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। एज आपकी 18 से 42 वर्ष होने चाहिए। हाइट है आपकी GD सोल्जर और ट्रेड्समैन की 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, क्लर्क की 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वजन है आपको 46 से 71 केजी के बीच में होना चाहिए। ये वजन आपका हाइट आपकी और उम्र पर डिपेंड करता है। चेस्ट आपका 77 सेंटीमीटर होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर फूलकर 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। वेट का अगले स्लाइड में चार्ट दिया गया है, उसको स्क्रीनशॉट लेके आप अपना वेट चेक कर सकते हैं। रिटर्न एग्ज़ाम दोस्तों, GD सोल्जर का 100 नंबर का रिटर्न एग्ज़ाम होता है, 100 नंबर का फिजिकल होता है। टोटल 200 नंबर का एग्ज़ाम होता है जिसका 200 नंबर पर मेरिट बनता है। क्लर्क सोल्जर होते हैं उनका 200 नंबर का रिटर्न एग्ज़ाम होता है और फिजिकल केवल क्वालिफाई करना होता है, 200 नंबर पे ही मेरिट बनती है। दोस्तों आजकल यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे फेक वीडियो चल रहे हैं जिसमें ये बताया गया है कि अपने TA की जो टेरिटोरियल आर्मी की वैकेंसी आ चुकी है, भर्ती आ चुकी है। नहीं दोस्तों, TA साइड है उस पर अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है, भर्ती की कोई डेट डिक्लेयर नहीं है, लेकिन संभावित जो डेट है वो आपको बताई जा रही है। TA भर्ती को 4 भागों में बांटा गया है, इंडिया को 4 जोन में बांटा गया है, तो आज आपको इस वीडियो में 4 जोन की जानकारी स्टेट वाइज दी जा रही है। यह है जोन फर्स्ट, इसकी भर्ती 5 सितंबर से 13 अक्टूबर के बीच में होने की संभावना है। 795 पद इसमें वीकेंड हैं। इसमें कौन कौन से स्टेट शामिल हैं? जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली। जोन टू की 22 से 25 अक्टूबर के बीच में भर्ती होने की संभावना है। इसमें 165 पद वैकेंट हैं। इसमें कौन कौन से स्टेट हैं ये देखिए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। अगला दोस्तों जोन 3, 27 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में भर्ती होने की संभावना है। इसके 166 पद वैकेंट हैं। कौन कौन से स्टेट हैं इसमें? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड, मेघालय, असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। अगला दोस्तों जोन 4, 16 नवंबर से 25 दिसंबर के बीच में भर्ती होने की संभावना है। इसमें 176 पद हैं, वो वीकेंट हैं। इसमें राजस्थान, गुजरात, दमन दीव, महाराष्ट्र, दादर नगर हवेली, गोवा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, पौंडिचेरी, लक्षद्वीप, केरला और तमिलनाडु, ये स्टेट इस जोन 4 में शामिल हैं। अगला है दोस्तों इकोलॉजिकल TA यूनिट्स। ये सेना के जो रिटायर्ड सोल्जर हैं वो यूनिट हैं, इनमें वृक्षारोपण का कार्य किया जाता है।
तो इसमें एक्स मैन है वो भर्ती हो सकते हैं। अलग अलग जैसे सांबा जम्मू कश्मीर में आता है, ये 22 से 25 दिसंबर के बीच में होने की संभावना है। इसमें 16 पद वैकेंट हैं। कुफरी शिमला जो कि हिमाचल प्रदेश में आती है, 4 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में भर्ती होने की संभावना है। इसमें 27 पद है वो वैकेंट है। पिथौरागढ़ में 25 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच में भर्ती होने की संभावना है। इसमें 42 पद वैकेंट हैं। देहरादून 24 से 30 नवंबर के बीच में भर्ती होने की संभावना है। इसमें 47 पद है वैकेंट है। सोनीतपुर असम 11 से 21 दिसंबर 44 पद हैं इसके अंदर। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत आभार। नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लिखकर हमें वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, ताकि इसमें और इम्प्रूव किया जा सके। धन्यवाद। जय हिंद।